Hello everyone, myself Dr. Rajni and welcome to my channel Dentagam. आजकल कोविड इन्फेक्शन के बाद कई लोगों को ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम आ रही है, इन्फेक्शन हो रही है, जिसे हम बोलते हैं म्यूकोमाइकोसिस। तो मोस्टली लोगों के मन में ये कॉम्प्लिकेशन है, एक डाउट आता है कि कहीं उन्हें पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है। तो आज हम ब्रीफली आपको बताएंगे कि किन किन केसेस में ब्लैक फंगस होने के चांसेस होते हैं, उसके क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं और आपको क्या क्या ट्रीटमेंट्स इसके मिल सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपके मुंह में कोई भी ब्लैक स्पॉट दिख रहा है तो वो ब्लैक फंगस ही हो, सो डोंट बी पैनिक, एक बार अपने डेंटिस्ट से जाकर चेक करवाएं। बिफोर स्टार्टिंग फर्दर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल डेंटाकैम। अब हम जानते हैं किसे ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट, जिन पेशेंट में कोविड के टाइम पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ हो। सेकेंड, पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हुआ हो कोविड के टाइम और ऑक्सीजन सप्लाई पे हो। थर्ड, हो सकता है पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, कोई हिस्ट्री ऑफ कैंसर हो। इन पेशेंट्स में पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस होने के चांसेस होते हैं। नाउ कम्स टू पोस्ट कोविड, हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिख सकते हैं। समटाइम पेशेंट्स को हेडेक होता है, फीवर होता है, कफिंग आती है, म्यूकस ब्लैक कलर का आना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग में ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, नोज से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, आँखों में पेन होती है, आँखों के अराउंड स्वेलिंग आ जाती है, आइज़ और नोज के बिलो रेड स्पॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं, दांतों में पेन होती है, दांत मोबाइल हो जाते हैं, हमारी चीक बोन के नीचे पेन होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारी चेस्ट में पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है और समटाइम डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी होती है। अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि आपको ब्लैक फंगस हो। इट्स नॉट 100% श्योर बट देयर आर चांसेस। नाउ कम्स टू, हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस मीन सावधानियां लेनी चाहिए ताकि हमें इस प्रॉब्लम से बचा जा सके। सबसे पहले, हमें अपनी मर्जी से या किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना स्टेरॉइड का इंटेक नहीं करना चाहिए। हमें स्टेरॉइड्स अवॉइड करने चाहिए, वो भी नॉर्मली डॉक्टर्स 5-7 दिनों के लिए स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत सीरियस केसेस ही होते हैं जिनमें स्टेरॉइड्स लॉन्ग टर्म के लिए एडवाइस की जाती है। अब आता है, अगर हमें ये प्रॉब्लम हो गई है तो अब हमें क्या करना है। अगर आपको पोस्ट कोविड कोई भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो अभी हमने बताए हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करवाएं, ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं, आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, चेस्ट प्रॉब्लम है तो चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं, प्लास्टिक सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, उन्हें दिखाएं। जिस तरह की भी प्रॉब्लम आ रही है उसके रिलेटेड आप अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो जल्द से जल्द आपका इलाज कर दे, ताकि प्रॉब्लम सीवियर ना हो। अगर आपको इस वीडियो से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी एक अच्छी नॉलेज मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।